हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निजीकरण के विरोध में दो दिनों की हड़ताल, 13 मार्च से लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। दो सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। इस हड़ताल में कई बैंक यूनियन शामिल हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण के विरोध में मार्च के महीने में कई बैंक यूनियन ने दो दिनों के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। स्ट्राइक का आयोजन 15 और 16 मार्च को किया जाएगा। हड़ताल के कारण लगातार 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। 15 और 16 मार्च को सोमवार और मंगलवार है, 14 मार्च को रविवार होगा और 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होगा, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 13 से 16 मार्च के बीच लगातार 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल को लेकर कैनरा बैंक ने कहा कि उसका कामकाज प्रभावित हो सकता है। कैनरा बैंक की तरफ से कहा गया है कि हमें इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA की तरफ से सूचना मिली है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBU की तरफ से 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि इसकी तैयारी में अभी से लग गया है, वो ये सूचित करने में लगा हुआ है कि बैंक के ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। किन किन बैंक यूनियन की तरफ से हड़ताल का आयोजन? AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, IBOC, NOBW, NOBO और AINBOF जैसे बैंक यूनियन की तरफ हड़ताल का आयोजन किया गया है। सरकार ने बजट 2021 में दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं, उसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। दो बैंकों का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा है। इस महीने कब बंद रहेंगे बैंक? इस महीने कई दिन बैंक बंद रहेंगे। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसके कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। 16 मार्च के बाद 21 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी। 22 मार्च को बिहार दिवस है और वहां के बैंकों की छुट्टी रह सकती है। 27 मार्च को चौथा शनिवार और 28 मार्च को रविवार होता है, इसके कारण लगातार दो दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को होली के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। जागरूक टीवी की खास अपडेट।